बाणी तुलसी साहब दी है। संत महात्मा मालक दे प्यारे चाहे किसी भी समाज अंदर आए हन या किसी भी टाइम अंदर आए हन, सब महात्मा का एको ही संदेश है, एको ही उपदेश है। हर महात्मा इसे गल ते जोर दिंदा गया कि जिस परमात्मा दी थानू तलाश है वो परमात्मा थोड़े शरीर के अंदर है, थोड़ी देह और वजूद के अंदर है। हर महात्मा ने यही जोर दिता, अगर कोई सच्चे तो सच्चा मंदिर है या कोई सच्चे तो सच्ची मसीत है या कोई ठाकर द्वारा है, वो थोड़ा शरीर है, थोड़ी देह है, थोड़ा वजूद है। महात्मा ने बाहर मंदिर मस्जिदां गुरुद्वारे बना के सानू समझाया सीगा कि इन्हां अंदर जिस तरह असी जाना जरूरी समझते हैं या इन्हां दी पवित्रता रखनी जरूरी समझते हैं, वो सिर्फ साढ़े अंदर शौक बिरे तड़फ पैदा करने वास्ते महात्मा ने बनाए सन। लेकिन असी बजाए उन्हां दे अंदर जाके तड़फ पैदा करन दे रस्मो रिवाज बना लिया, जाया है मंदिर दे अंदर उठे आए, फिर जाया है फिर वापस आ गए। लेकिन जो कुछ असी मंदिर दे अंदर जाके सुनते हाँ या करते हाँ उहदे उत्ते कदे भी असी अमल नहीं किया गा। सारी जिंदगी उत्थे मत्थे कसाउण दे उत्ते जोर दिता, लेकिन अपने अंदर कदे भी वड़न की कोशिश ना की, अपने मंदिर की सफाई ते कदे भी जोर ना दिता। मैं गुरु अमरदेव जी महाराज का परसों सत्संग लिया सीगा जिदे विच उन्होंने दस्या सी कि हर मंदिर यो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। आपने कहा सीगा कि भरावो सच्चा मंदिर यह शरीर है, जब भी परमात्मा के दर्शन करोगे ये शरीर के अंदर वड़ के ही करोगे। लेकिन इत्थे आके असी सारे भुल जाने हाँ जेड़े आप हत्थां पैरां ना असी मालक दे रहण दियां जगह बनाउने हाँ, उन्हां दियां तां असी बड़ियां कदरां करदे हाँ। जुत्ती तक लेके नहीं वड़दे, कोई मीट शराब उत्थे पीण दा तां सवाल ही पैदा नहीं हुंदा गा। असी अपनी बनाई चीज की कदर करते हाँ। जो मंदिर परमात्मा ने बनाया है, जिदे अंदर परमात्मा खुद रहिंदा है, उहदी सफाई कन्नी कदे भी ध्यान नहीं कीता गा। उहदे अंदर मीट शराब होर भैड़ियां खोटियां वस्तुआं असी पा रहे हैं, दिन रात ही उसनू गलीज कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं, कदे भी उहदी सफाई कन्नी असी ध्यान नहीं दिता। गुरु नानक साहब कहिंदे है जन्म जन्म की इस मन को मैल लगी, काला होया सुहाओ धोती खनली उजली ना होए चाहे सौ धोवन पाओ। आप कहन लगे कि साडा मन नू जन्मा जन्मात्रा की मैल लगी है, ये किस तरह का होया पिया है। जिस तरह कोहलू दे अंदर जिथे असी तेल निकालते हैं उत्थे जो लीर हमेशा रहिंदी है, उस दे अंदर तेल इतना जज्ब हो जाता है कि उसनू भावें हजारों दफा तुसी धो लो, धोबी को भेज दो, जिथे मर्जी उसनू धो लो, वो दे अंदर इतना जज्ब हो गया है, कपड़ा फट बेशक जाए लेकिन वो दे अंदरों सफेदी नहीं निकलती गी। तो गुरु नानक साहब कहन लगे है कि साडे जन्म नू भी जन्मा जन्मात्रा की मैल लगी हुई है, लेकिन इहदी असी कदे सफाई करनी तवज्जो ही नहीं दित्ती, देखिया ही नहीं गा। असी किस तरह मन नू धोना है बड़ी सोच विचार की गल है, क्योंकि इस मंदिर के अंदर पंज डाकू भी रहिंदे है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये हमेशा ही सानू लवेड़ रहे हैं।
काम दी मैल लग जाती है, क्रोध दी लग जाती है, इसे तरह लोभ मोह हंकार दी मैल लग जाती है। कदे भी असी तवज्जो नहीं दिती कि इन्हां मैलां नूं किस तरह असी दूर करिए। गुरु नानक साहब कहिंदे है, पाप करे पंचा के वसरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे, बहुर कमावा होए नसंक, जम पर बाद खड़े कलंक। असी पाप ऐब या तां काम दी इच्छा दे अधीन होके कमाउने हाँ, आत्मा नूं चिकड़ लाउने हाँ, या क्रोध दे अधीन होके, क्रोध इच्छा दे अधीन होके असी ऐ पाप करते हैं। सानू पता ही है कि क्रोध भी एक तत्काल का पागलपन हुंदा है। जब ये अपना रंग दिखाउंदा है, भरा भरा का सिर गाजर मूली की तरह ला के रख दिंदा है, इस तरह कौम कौम नूं तबाह करने तुल जाती है। ये जितने भी कौमां मजमां मुल्कां दीआं लड़ाइयां हन, ये कौन कराउंदा है? ये साडा मन कराउंदा है। और मन की ये शक्ति जिहड़ी क्रोध है, जद ये प्रबल हो जाती है, उस वेले असी किसी नूं अपने पराए की सोझी नहीं रखते गे। इस वास्ते आप कहन लगे, ये वस हो के असी पाप ऐ बहुत भारे सिरां दे उत्ते बोझे चुक लैंदे हैं। इसे तरह असी लोभ इच्छा के अधीन होके भी किस तरह पाप ऐब करते हाँ, असूल कायम कर दिने हाँ। असी सारा दिन लोगों नूं उपदेश करते हाँ कि बई लोभ तो बचो, लेकिन आप खुद उस लोभ के शिकार हो जाने हाँ। लोभ के कारण ही कोई किसी नूं सियाणदा नहीं गा। इस वास्ते असी ठगी बेईमानी करन लगे, अगा पिछा तक नहीं देखते गे। ये क्यों करते हाँ? सोचण दी गल है। ये सारा कुछ असी लोभ दे अधीन होके करते हैं। इस तरह मोह है, मोह दे वस विच आके भी असी किस तरह इस जाल च फस जाने हैं, बुरी तरह निकल लगे भी असी निकल ही नहीं सकते गे। स्वामी जी महाराज कहिंदे, मरे बिना तुम छूटो ना ही, जींदे जी तुम सुनो ना कान। आप कहन लगे, जिंदे जी तां तुसी कन दे नाल गल नूं सुणन किस वास्ते? महात्मा दी तैयार, और मर के ही इहनां तों छुट सकदे हो। हुण जो इन्हां इच्छा दे अधीन हो के असी कर्म कमाउने हाँ, वह किसी ने नहीं भोगने गे, वह असी खुद भोगने है। जब वो कर्मां दा सानू इवजाना मिलता है, अच्छे कर्मां दा जब फल मिलता है, उदों तां असी खुश हुंने हैं। जब जिंदगी दे विच जिहड़े भैड़े खोटे कर्म हुंदे है, उन्हां दी सज़ा मिलती है, फिर असी रोने हैं, चीकते हैं, चिलाउने हैं। कदे भी असी नहीं सोचिया गा कि साडे कर्म है, मन नूं कदे भी असी नहीं किया गा। महात्मा के कहण का भाव इतना ही है कि असी मन नूं उस वेले प्योर और पवित्र कर सकते हैं, जब मन नूं मन दे घर पहुँचा दईए। मन का घर किहड़ा है? ब्रह्म है, त्रिकुटी दे रहण वाला है। ये भी आपके घर के विचों भुलिया होया है। ये भी जो कुछ असी अखां दे नाल देखते हैं, ये दुनिया का बहुत वड्डा एक विशे बकारां दा काल ने जंगल रचिया होया है, जिस दे अंदर मन और आत्मा गुआचे फिरदे है, आपे अपने आप नूं ये भुले फिरदे है। जब मन ब्रह्म दे विच जांदा है, उत्थे इस नूं पता लगदा है कि मैं तां ब्रह्म दा बहुत वड्डा कमांडर इन चीफ है, मैं तां एवें दुनिया दे स्वादां मगर तुरिया फिरिया सीगा। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी जो असूलगंढ है, ये साडे सब दे अखां दे पिछे है, सूक्ष्म त्रिकुटी दे विच है। जब असी अपनी आत्मा तो असूल सूक्ष्म कारण तिने पड़दे ला के ब्रह्म दे विच पहुँच जाने हैं, उत्थे जाके ये सूक्ष्म हुंदी है। थोड़ा बहुता उत्थे भी डर रहिंदा है, क्योंकि पता नहीं उसने कद आके थले प्रबल हो जाना हुंदा है। लेकिन जदों असी इहनूं उपर चल जाने हैं, दसवें द्वार दे विच पहुँच जाने हैं, पार ब्रह्म दे विच पहुँच जाने हैं, उत्थे इन्हां चीज़ां दा नामो निशान नहीं हुंदा गा। उत्थे पहुँच के ही सानू साधु गति प्राप्त हुंदी है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ, उत्थे पहुँचया होया मन प्योर और पवित्र हो जाता है। उत्थे पहुँच के फिर साडा जिहड़ा मंदर है, यह शरीर ये साफ और प्योर पवित्र हो जाता है। आप तुलसी साहब प्यार नाल समझाउंदे आ, अगर थोड़े दिल अंदर परमात्मा दे मिलन दा शौक है, बिरे है, तड़फ है, तो सब तो पहला अपने मंदर नूं साफ करो। इत्थे आके असी सारे भुल जाने हैं। मैं कई दिन हो गए सत्संग च बयान कीता सीगा कि असी जितने भी समाजां दे लोक हैं, जितने भी असी समाजां रखते हैं, असी सब अपने आप विच दावा करते हैं जी असी गुरु मत दे उत्ते चलते हाँ।
लेकिन सानू पता नहीं कि गुरु मत किड्डी उच्ची और सुची है। असी गुरु मत साडे सिखां दा इतिहास पढ़ के देख लो असी की करदे हाँ। गुरु नानक साहब ने तो यही कहा सी, कौन सिख भाई जो भड़के उठ के उद्यम करता है अमृतसर, क्या पार ब्रह्म दे विच पहुँच के अमृतसर दे विच इशनान करता है। आप कहते गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठार नाम ते आवा है, उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृतसर नावा है, चढ़े दिवस गुर बाणी गावै बहद्या उठद्या हर नाम ते आवै, जो सास ग्रास ते आए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावै, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। आप कहन लगे असी उह सिख दी धूड़ी नूं लोचदे हाँ जिहड़ा आप नाम जपदा है होरनां नूं वी जपाउंदा है। इस वास्ते असी की करदे हां, पंज ककार कंघा कड़ा केस कृपान कच्छ इस नूं पहनण दे विच असी गुरमत समझदे हाँ। इसे तरह सानू मुसलमाना दे गुरमत की है, वो कहिंदे है कि मसीते जाओ रोजे रखो दान पुन अपनी कमाई दे विचों कढ़ो जुगाद दिओ मक्के दा हज करके आओ, बस ये गुरमत समझदे है। इसे तरह ईसाई लोग चर्च दे विच जाना बिना भेदभाव एक दूसरे नाल मिलना बपतिस्मा लेना यही गुरमत है। इसे तरह हिंदू असी समाज की करते हैं, किसनों गुरमत समझते हाँ, मंदिर दे विच जाना तीर्थ यात्रा करनी गायत्री मंत्र पढ़ना गीता पढ़नी वर्त रखने, इसे तरह असी होर भी कई किस्म के खटकर्म करने जग करना जग कराना दान देना दान लेना विद्या पढ़नी या पढ़ाउणी असी इसे नूं गुरमत समझते हैं। लेकिन संत महात्मा जो सानू गुरमत दस के गए है वह कैड़ी है, जदों असी अपने फैले हुए ख्याल नूं सिमरन दे जरिए इत्थे तीसरे तिल अखां दे पिछे लिआउने हैं, फिर सानू पता लगता है कि की गुरमत है। क्योंकि ये साडे घर का बूहा है, साडे सफर का बूहा है, जब असी इत्थे पहुँचांगे तो असी उस अपने सफर दे बिल्कुल बूहे ते आके खड़े होवांगे। जदों सुरत और निरत दो ताकतां है जिहड़ियां, सुरत का कम है जो परमात्मा की दरगाह तो आवाज़ उठ रही है जिसनों गुरु नानक साहब रब्बी बाणी तुरकी बाणी शब्द हुक्म नाम करके बयान करते हैं, जिसनों मुसलमान फकीर कलमा बांगे आसमानी की आसमान चो आवाज़ आ रही है, हिंदू महात्मा भी उसनों आकाशवाणी राम नाम राम धुन करके बयान करते हैं, उसे ही कृष्ण ने वर्ड या लोगास करके बयान किया है। सो इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है कि फिर जब इत्थे असी रोज़ रोज़ बैठ के अभ्यास करते हाँ, फिर की है कि निरत दी शक्ति जब तेज हो जाती है बलवान हो जाती है, फिर साडा जिहड़ा बूहा है सफर का अंतरी बूहा जो अंदरों बंद किया है वह परमात्मा खोल दिंदा है, साडी गुरमत इत्थों चालू हो जाती है। इसे नूं गुरु गोबिंद सिंह ने कहा सीगा कि पूर्ण जोत जगह घट माहे तब खालस नहीं न खालस जाना, जदों साडी आत्मा घंटे शब्द की आवाज़ संख की सुनती है उदों इस दी नज़र दे विच जोत आउणी शुरू हो जाती है, जोत चमकारे मारती है, ये सारा ही जिहड़ा पहला मंडल है जोत दे नाल भरपूर हुंदा है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि इत्थों साडी गुरमत शुरू हुंदी है। फिर सानू पता लगता है कि असी अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं, तुलसी साहब कहिंदे है अगर तुसी परमात्मा नूं मिलना है तुहाडे अंदर शौक है परमात्मा दे मिलन दा, सब तो पहला इस मंदिर नूं तुसी साफ करो, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, उस परमात्मा दे आउण वास्ते तैयारी तां कर। जरा सोच विचार दी गल है, किसी मामूली जे रिश्तेदार ने आना होवे असी अच्छे कपड़े पहरांगे, घर की सफाई करांगे, दिल च यह ख्याल आउंदा मता साडे कपड़े ना निंद जावे या साडे घर की सफाई नूं निंद ना जावे। एक रिश्तेदार तो असी डरदे घर की सफाई करन लगे पए हैं, लेकिन उस परमात्मा जो सचखंड दे रहण वाला है जिसने सानूं जीवन दान दिता होया है, आप कहन लगे उहदे वास्ते कदे तैयारी कीती है कदे सोच समझ तो कम लिया है। कुत्ता भी गंदी जगह नहीं बहिंदा, वह भी पूछना जगह नूं साफ कर लैंदा है। हुण असी कहने जी सानू इतना चिर हो गया मंदिर विच जांदिआं नूं गुरुद्वारे विच जांदिआं नूं सतसंग दे अंदर जांदिआं नूं सानू परमात्मा नहीं मिलिआ,
लेकिन तुसी जरा सोच के तो देखो, क्या असी कदे सत्संग दे उत्ते अमल कीता है? मोटे मोटे पाप ऐब जो रुकावटां हन महात्मा बयान करदे सत्संग दे अंदर, कदे असी छड्डण वास्ते तैयार होए हैं? एक सत्संग दे विच अगर असी एक भैड़ा खोटा कर्म छड्डीए तो थोड़े जे सत्संगां दे विच असी कामयाब हो सकते हैं। परम पिता कृपाल महाराज ने सानू डायरी दिती रखण वास्ते, वो एक किस्म का रोजनामचा है, जिंदगी नू बेहतर बनाउण दा असली ढंग है। वह बहुत अच्छी उन्होंने दया की सानू तरतीब दसी, क्योंकि महात्मा सानू साधन दस देंदे है, तरीके दस देंदे है। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि संतां कोल बड़े साधन और तरीके हुंदे है, क्योंकि उन्हां दे कमाए हुए वो तरीके हुंदे है, वरते हुए हुंदे है, वो सही उन्हां दे जीवन दे विच चीज़ां उतरियां हुंदियां है। सो इस वास्ते उन्होंने डायरी दसी कि भी तुसी डायरी शाम नू भरिया करो। लेकिन असी की कीता, डायरी का रस्मों रवाज बना लिया, जो शाम नू भरिया अगले दिन उही ऐप फेर कर लेना है। सोच के देख लो, मैं राजस्थान की मिसाल दिना हुंदा है कि राजस्थान की मशहूर मिसाल है, पंचायत आई सिर मत्थे परनाला उस थाई है। असी सारी जिंदगी डायरी तो भरते हैं, लेकिन ऐब नाल दी नाल छड्डण नू तैयार नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जब रोपड़ दे पास एक पिंड दे अंदर गए, उत्थे उन्हां लोकां नूं कहा, क्यों बई तुसी की पेशा करदे हो, की कम करदे हुंदे हो? वह कहिंदे जी बस एक पलियाई नहीं, बाकी चोरी वगैरह सारा कुछ ही असी करदे हैं। गुरु गोबिंद सिंह कहण लगे, देखो बई यह तो बहुत भैड़े खोटे कर्म है, तुहानूं छड्ड देने चाहिए है। वह कहण लगे जी असी छड्ड नहीं सकते, कोशिश बड़ी कीती। वह कहण लगे तुसी इउं करो, गिणती करो। वह कहिंदे जी असी अनपढ़ हाँ, किस तरह गिणती रखीए असी? वो कहते तुम इं करया करो, जब कोई पाप हो जाता एक पत्थर चुक के रख दिता, दूजा चुक के उत्थे रख दिता। जब सारे आदमियों ने एक दिन इस तरह की ट्रेनिंग की, आदत पई सी, पाप ऐब छुटता नहीं सीगा। लेकिन जब शाम नू लेखा जोखा किया, उत्थे तां ढेर लगे पे पत्थरां दे। वो कहन लगे इतना आपां भुगतान किवें करांगे, आपां छड्ड ही दिओ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब फिर कित अपना सत्संग उत्थे लाया, उन्हां लोगों नू पुछया, क्यों बई कोई लेखा जोखा किया? वह कहिंदे हाँ जी एक दिन किया सीगा, वो तो साडी गिणती तो भी पत्थर ज़्यादा इकट्ठे हो गए सन। असी सारे पिंड ने बैठ के ये सलाह की है, ना पाप करो ना पत्थर इकट्ठे करो, कौन इन्हों का हिसाब किताब करेगा? इस तरह महाराज कृपाल ने साडा जीवन सुधारन वास्ते एक रोजनामचा सानू दस्या। इहदा ये मतलब नहीं सी उन्हां दा भी तुसी रोज़ पाप करो, शाम नू लिख भी लो, अगले दिन फिर कर लो। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे आ, जिथे असी प्रेम प्यार नाल शाम नू उस नू डेयरी दे अंदर दर्ज करते हैं निरपक्ष होके, उत्थे सानू छड्डण दी भी कोशिश करनी चाहीदी है, जीवन साडा तां ही सुधरेगा। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि सानू उस हुजरे नू उस मंदिर नू साफ करना है, क्योंकि असी उत्थे परमात्मा नू बिठाउणा है। ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, क्या जेड़े गैर है साडे अंदर, गैर कौन है? उस परमात्मा तो बगैर जो भी असी दुनिया नू देख रहे हैं ये सब गैर है। तुसी कहोगे साडे पुत है, साडी तिया है, साडा समाज है, साडा मुल्क है, ये साडा है। लेकिन तुसी सोच के देख ले, नू साडा साडा बनाउंदी सारी दुनिया ही लंघ जाती है। ये अज तक ना तो चीज़ा किसे दीआं बणीआं ना बन ही सकदीआं हन। इस वास्ते गुरु साहब कहिंदे है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने हित सो सब लागे क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सबो कहत है हित सो बांधो चीत, अंत काल संगी न को ए अचरज है रीत, मन मूर्ख अजे न समझा सिखदा हारो नीत, नानक पौजल पार परे जे गाए प्रभ दे गीत। आप कहन लगे कि ये संसार दे विच सब दे असी झूठी प्रीत देखी है, क्या अपने हित दे खातर हर एक दूसरे दे नेड़े लगदा है? सानू पता ही है अगर साडा कोई बगाना भी धनी बन जावे, चंगी हुकूमत आ जावे, असी फट किसे ना किसे पासे दे उहदे नाल रिश्तेदारी गंढ लवांगे। अगर जे साडा अपना रिश्तेदार कोई गरीब हो जावे, असी उहनूं मिलण वास्ते नहीं जांदेगे। अगर सानू कोई ये कह देवे कि तुहाडा रिश्तेदार भी सड़कां ते रुलदा फिरदा है, असी फट मुकरन की कोशिश करांगे, नहीं बई उह साडा नहीं गा। इस वास्ते असी दुनिया की करते हैं, चढ़ते सूरज नूं सलामा करते हैं। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे हैं कि ध्यान गैरों का उठा। असी इस जगह जिथे दुनिया के ख्याल भर भर के असी दिमाग नूं बहुत भर लिया है,
ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਗੈਰੋਂ ਕਾ ਉਠਾ ਉਸਕੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 350 ਮੀਲ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਜਾਨਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵੱਢਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਗੈਰੋਂ ਖਾ ਉਠਾ ਉਸਕੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਜੀ ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਜਾਨਾ ਕੇ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੈਰੋਂ ਕਾ ਉਠਾ ਉਸਕੇ ਬੈਠਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਚਸ਼ਮ ਦਿਲ ਸੇ ਦੇਹਿਆ ਜੋ ਜੋ ਤੁਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਦਿਲ ਸੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਸਤਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰਚੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦੇਖਣੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੂੰਗੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਗੁੜ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਕੱਛਾ ਹੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਭੀਖਨ ਦੋਏ ਨੈਣ ਸੰਤੋਖੇ, ਯੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਸੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਏ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅੰਧੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੀ ਵਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਸਿੰਦੋ ਮਾਪਰੀ, ਉਹ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਘਟਮੇ ਸੂਝਿਤ ਨਾਹੀਂ ਲਾਣਤ ਐਸੀ ਜਿੰਦ, ਤੁਲਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਭਿਆ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਜਦ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਜਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਘੰਟਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
मन अपना दफ्तर फरोल के बह जाता है। 100 साल की बीती हुई गल उस वेले याद कराता है। वह कहते होंगे सीगे कि एक जट की कुहाड़ी गुआच गई, जब अभ्यास से बैठा फौरन मन ने अंदरों दस्या कि फलाने के घरे है। मैं दसदा हुंदा मैं कुछ आदमियों अभ्यास के उत्ते बिठाया, एक आदमी ने अपना तजर्बा दसिया, उहदा पिंड राजस्थान चो कोई 30-40 मील उत्थों पंजाब दे विच सीगा। उसने दसिया कि मैं बैठा तो भजन ते सीगा, लेकिन अफसोस की गल है कि वह मैनू उस पिंड लै गया। उस पिंड के अंदर मैं गड्ढे के उपर बैठा जाता ही ट्राली दे, तो ट्राली जिहड़ी सी वह झाड़ियों च फस गई। मैं बोल मारी जांदा सीगा अपने भाई नूं कि बई तू आ के मेरी मदद कर, हुण सोच के देखो तुसी बैठे हुए भजन ते अभ्यास ते मन सानू 40-40, 100-100 मील लिजा के झाड़ियों दे विच फसाई बैठा होवे, उठ के असी घड़ी देख लेनी है कि घंटा हो गया। सोच के देख लो ये भी कदे लेखा जोखा कीता है भी एक घंटे च किन्ना किन्ने मिनट साडा मन टिकिया, किन्ने मिनट बाहर गया, किन्ने मिनट असी दुनिया नू सोचिया, किन्ने मिनट असी हाजिर रहे सीगे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि तुसी जरा सोच के देखो अभ्यास दे वक्त भी असी की करदे हैं। सो महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि असी दिल दी अख खोल के देखो परमात्मा ने थोड़े अंदर किस तरह नज़ारे रखे है। जिस तरह अज अंदर वड़ना औखा होया पिया है, सानू बाहरली दुनिया अच्छी लगती है, जब एक बारी अंदर जा वड़दे हैं उदों सानू बाहरली दुनिया जिहड़ी है वह अच्छी नहीं लगती गी, लेकिन असी इहनू छड्डण वास्ते भी नहीं कहिंदे हुंदे गे। आप कहिंदे जिन्ना चिर परमात्मा ने हुक्म दिता है यह दुनिया च रहो, लेकिन इहनू अपनी ना समझो जी। चश्म दिल से देख यहां जो जो तुमाशे हो रहे, दिल से ता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हफ्ज, फिर ठिकाना है कहाँ उसके टिकाने के लिए। हुण आ प्यार ना समझाउंदे आ मन साडा एक है, चाहे गुरु का सिमरन कराओ चाहे उस वक्त तुसी दुनिया के ख्याल उठाओ, एको ही कम हो सकता है, दो नहीं हो सकते गे। इस वास्ते आप कहिंदे थोड़ा दिल तो एक है, मन एक है, और इहनू तमन्ना दे नाल दुनिया के ख्यालों के नाल भरी बैठे हैं। आप कहन लगे है कोई टिकाणा, साडी तां वो हालत है जिवें आम तौर उत्ते महाराज सावण सिंह सत्संग दे विच मसाल दिंदे हुंदे सी कि सुथरे दी, क्योंकि सुथरा बड़ा ला तड़क फकीर कमाई वाला होया है। उन्हें कई ऐसिया उदाहरणा पेश कीतियां सन कि जिहड़ियां आम तौर दे उत्ते साडे लोकां दे दरम्यान हुंदियां रहिंदियां है। किसे नूं पुछिया कि मकान मजबूत किवें हुंदा है, वह कहन लगे थम लाए जाण। वह एक सैड तो थम लाउण लग्या, सारा मकान भर दिता, बारिश होई। किसे ने पुछिया बाहर भिज रहा सीगा, क्यों बई अंदर नहीं जाता तू? वह कहिंदा अंदर अगर जगह हुंदी एक थम होर ना ला दिंदा। उहदा समझाउण दा मतलब सीगा कि क्यों बई तुसीं दुनियादार अंदर किस तरह जाओ, अंदर तां तुसीं दुनिया भरी बैठे हो, सब तो पहला अपने दिल दिमाग नूं खाली करो। इस वास्ते आप कहिंदे उस पर ज्यादा हफस, असीं तां इह सोचदे आ बैठे भी हालांकि कोई चिंता नहीं हुंदी, कोई फिक्र नहीं हुंदा गा। साडे जद ग्रुप आउंदा है बाहरों अमरीका चो या होर किसी मुल्क चो, मैं सब नूं इह कहिंदा हुंदा कि देखो बई तुसीं 10 दिन वास्ते आए हो, तुसीं कम अपना अपने देश जाके कर सकते हो, इत्थे बैठे कोई काम नहीं कर सकोगे। हुण तुसी मन नूं जवाब दिओ 10 दिनां च तुहाडा कुछ बने। जो आदमी उस गल नूं पकड़ लैंदा है, अमल करदा है, वह अच्छा तजर्बा दस के जांदा है कि मैं कामयाब हां। वह सारी जिंदगी नहीं डोलदा गा, क्योंकि संत कुछ देण वास्ते आउंदे आ, वह सिर्फ सानूं अखां बंद करके बिठाउण वास्ते नहीं आउंदे गे।
महात्मा ये नहीं कहते गए कि तुम सारी जिंदगी कोहलू के बैल की तुरा तुरे फिरो, उन्हों का मतलब यह नहीं हों कि सारी जिंदगी गोडे अकड़ा फिरो। वो कहें आओ साड़ी दसी हुई युक्ति मुताबक तुम थोड़े दिन अभ्यास करके देखो। लेकिन असी की करते हैं, तवज्जो दे के उस अभ्यास नहीं करते गए, बैठे भी भजन से दुनिया को सोची जाने। फिर कहने हैं कि जी मन नहीं खड़ता, क्यों नहीं बेखड़ता गा? इस वास्ते आप प्यार ना समझाते हैं कि सानू ये दुनिया जिहड़ी है वो बहार के बाहर कढ़ देनी चाहिए है जी। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। शेख तकी हज करके वापस आया सीगा, उसने अपना तंबू तुलसी साहब दे सत्संग दे अगे लाया सीगा। उत्थे तुलसी साहब की बात शेख तकी दे नाल होई सीगी। उन्हूं बड़े प्यार नाल शेख तकी नूं समझा रहे हैं कि किस तरह भाई परमात्मा नूं मिलना है। हुण उसनूं दसदे है कि भाई अफसोस ना कहना पैंदा है, जो नकली मंदिर क्या असी अपने हथ पैरां दे नाल बनाए है उत्थे तां असी दिन रात जाने हैं, जो कुदरत भगवान ने मंदिर बनाया है तुसी इहदे अंदर जरा ठहर के देखो, तुहाडे जन्मां जन्मांतरां दे पाप है जिहड़े ओह खत्म हो जाणगे, तुहाडा जम्मण मरण कटिया जाएगा जी। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही तोर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हुण तुलसी साहब कहंदे है ऐ शेख तकी तू अंदर मथे दे जो आवाज आ रही है, क्योंकि मुसलमाना दी मसीत जो पिछला हिस्सा जिथे मौलवी बांग दिंदा हुंदा है वो साडे मथे दी शकल दे उत्ते बनी हुई है। आप कहन लगे तेरा भी हक बनता है, तू फैले हुए ख्याल नूं सिमरन दे जरिए इत्थे लिया तीसरे तिल ते अपने मथे च पहुँच, तैनू पता लगेगा कि किस तरह उपरों आवाज इत्थे सेंटर दे विच आ रही है। वह जम्मण मर नूं कट दिंदी है। गुरु नानक साहब भी कहिंदे तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई, वो तुरदरगाह तो बाणी उठ रही है, जब सुनोगे थोड़िया सारिया मैला चिंता खत्म कर देनगियां। क्योंकि महात्मा सानू दसदे है कि वो परमात्मा एक समुंदर है, शब्द उसकी लहर है, आत्मा बूंद है। समुंदर भी पानी है, लहर भी पानी है, बूंद भी पानी है, फर्क विछोड़े का है। आत्मा जद भी जाएगी परमात्मा दे पास शब्द ते असवार होके जाएगी। इस वास्ते आप कहन लगे ऐ शेख तकी तू बाहर ना भटकदा फिर, तू की कर, तू इस मत्थे दे विच आके तां देख इस महराब दे अंदर, वो परमात्मा जो तू बाहर बांग दे रहा है वो तां तेरे अंदर बांग आ रही है। जब गुरु नानक साहब मक्के दे अंदर गए उत्थे काजी रुकनदीन दे नाल काफ़ी सवाल जवाब होए जो उन्हां दी जन्म साखी दे विच आउंदे है, उत्थे उन्होंने पूछा सीगा कि वो तेरा जिहड़ा महल है खुदा दे रहण वाला वो किहो जिहा महल है, उहदे किन्ने किंगरे है, किन्ने बुरज है,
वो कहन लगे वो इंसानी जामा ही है, ये वो महल है, इस दे 32 किंगरे है। आप कहन लगे कि 10 साढ़े हथां दे नौ है, 10 पैरां दे है, 32 साढ़े दंद है। कहन लगे यह 52 किंगरे हैं, ते नेस बां दे जोड़ है, ते नेस दे है, 6 साड़ियां लत्तां दे जोड़ है, ये 12 बुरज हैं। कहिंदे उच्चे खासे महल दे देवे बांग खुदाए, सुते बांग ना सुन सके रहा खुदा जुगाए। ये सारे महल दे उपर इस जगह वो परमात्मा दी बांग आ रही है, लेकिन असी सुते पए हैं, उस बांग नू सुन नहीं रहे। सुती पई ना भाग, सब सुने ना बांगा कोए, जो जागे सोई सुने साई संधि सोए। आप कहन लगे सब असी किदे भाग लियाईए, उस बांग नू सुनीए, असी सारे सुते पए हैं, वो परमात्मा साढ़े अंदर बांग दे रहा है। फरीद साहब भी कहते हैं, उठ फरीदा सुबह नवाज गजार, तू सुता रब जागदा तेरा डाढ़े क्या प्यार। आप कहन लगे वो परमात्मा दा जाग जागदा है, तेरे अंदर बांग दे रहा है, तू सुता पिया है। दावा करदा कि मेरा खुदा ना प्यार है, मैं ही खुदा नू पूजदा हाँ। इस वास्ते आप कहन लगे ये दावा तुहाडा जिहड़ा है, फरीद साहब कहते गलत है। यही तुलसी साहब सेख तकी नू कहते हैं, कह सेख तकी तू सारे ख्याल बाहरों छड़ के, तू अंदर उत्थे मत्थे दे विच पहुंच के सुन, वो बांग आ रही है जी। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐतलाशे यार में रास्ता शारग में है, दिलबर पे जाने के लिए। हुण आप कहन लगे ए सेख तकी बाहर तू भटकदा फिरदा है, बाहर तेरी तलाश जिहड़ी है वह बेकार है। मुसलमान दी किताबां दे अंदर उस नूं शाहरग लिखिया है, साडे हिंदू शास्त्रां दे अंदर गुरु नानक देव जी महाराज ने उस नूं सुखमना नाड़ी करके लिखिया है। आप कहन लगे तू उस रस्ते ते जा, वह रस्ता परमात्मा दे पास जांदा है, बाहर भटकण दी लोड़ नहीं, अपने ख्याल नूं अंदर शब्द नाम दे नाल जोड़ जी। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐतलाशे यार में रास्ता शारग में है, दिलबर पे जाने के लिए। मुर्शिद कामल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शारग के पाने के लिए। हुण आप सेख तकी नू कहिंदे है, देख बई अगर जे तू कामयाब होना है, परमात्मा नू पाउणा है, सब तो पहला पूरे गुरु कोले जा। गुरु कोले जाके की कर, दो चीजां दी लोड़ है, सिदक और सबूरी। भरोसा होना जरूरी है, पहला पहला भरोसा जिहड़ा है सानू बाहर करना पैंदा है। जब अंदर असी भरोसा रख के जाने हैं, अंदरला जो मार्ग है वो किताब की तरह खुल जाता है, अंदर जाके ही सच्चा प्यार, सच्ची तड़फ, सच्ची इज्जत महात्मा की आती है। जो असी देखते हैं कि केड़ियां केड़ियां शक्तियां साडे गुरमुखां दे अगे नमस्कार कर दियां हन, किन्ना इहदी उपरले मंडलां दे विच मानता है, फिर ही पता लगता है। क्योंकि एक जज सानू पता ही है, बाहर एक साधारण आदमी हुंदा है, जद असी उसनू कुर्सी दे उत्ते देखते हैं, सारे ही उहदे अगे जाके नमस्कारां करदे हन, फिर पता लगता है कि जज है, मुनसिब है। इस तरह असी बाहर तो उन्होंने इंसान ही समझते हैं। महाराज सावण सिंह कहते होंगे सी, बाहर तुसी
भरा कह लो, दोस्त कह लो, बुजुर्ग कह लो, कोई फर्क नहीं पैंदा गा, लेकिन अंदर चलो फिर तुहानू पता लगेगा कि साडा मुरशद की है। इस वास्ते आप कहंदे आ सब तो पहला पूरे गुरु कोले जा, जो तैनू रस्ता दसेगा उहदे उत्ते चल, क्योंकि दुख सुख गरीबी अमीरी बीमारी तंदुरुस्ती ये जब साडे शरीर की रचना हुई सी उस वक्त तय हो चुका सी सारा समान। तुलसी साहब कहंदे आ पहले बनी परालभत पिछे बनिया शरीर, तुलसी दासा खेल अचरज है पर मन नहीं बनता तीर। शरीर की रचना तो पहला परालभत बन गई जिहड़ी जरूर भोगनी पैंदी है, लेकिन घटना वक्त सिर आके घटती है। जब कोई घटना एडी करड़ी घट जाती है जिहड़ी सानू हिला के रख दिंदी है, उदों असीं सिदक जिहड़ा है भरोसा छड जाने हैं। इस वास्ते असीं ये नहीं कदे मन नूं कहा देख बई ये तेरा ही कर्म किया है, तेरी परालभत है। गुरु नानक साहब कहंदे आ खेत शरीर जो बीजिया सो अंत खलोया आए। जो कुछ भाई बीज पाया खेती विच, मिर्चा बीजिया मिर्चा भी कटनिया है, कमाद बीजिया इख बीजिया इख भी कटना है। ये नहीं कि मिर्चा का पौधा ला के असीं उत्थों इख दा कट लईए। महात्मा सानू दसदे आ जी लोचदा अंब खाण नूं बीजे बीज करीरां दे। फरीद साहब कहंदे आ लोड़े दाख बजेवरियां किकर बीजे जट, हंदा हंडा उन कताए दा पैंदा लोड़े पट। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि जिहड़ा उह तैनूं रस्ता दसे फिर उस रस्ते उत्ते चल, क्योंकि स्वामी जी महाराज भी कहंदे आ जद जीव शरण गुरु दी आवे, करम धर्म सब भरम नसावे, जो मार्ग गुरु दे बताई सोई करम धर्म हुआ पाई। आप कहने लगे जो कुछ पहला करता है उहनूं ठप के रख देना चाहिए, जो रस्ता गुरु दसदा है शब्द नाम की कमाई वह करो, इहदे विच तुहाडी कामयाबी है। ये नहीं कि गुरु तो नाम भी ले लिया, असी जिहड़ा कुछ पहला खाक छाणदे हुंदे आ कर्मकांड करदे आ उह भी करी जांदे आ। सोच के तुसी देख लो, महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि सारी जिंदगी च अगर किसी का एक महात्मा नाल प्यार बन जाए तो काफ़ी है, जिहड़ा थां थां फिरदा उह कित्थे बन जाएगा। महाराज जी कहिंदे हुंदे सी सावण सिंह जिस औरत दे 32 खसम है उह किहनूं किहनूं खुश करेगी। इस वास्ते बड़े प्यार नाल समझाउंदे आ कि सानू की चाहिदा है, जो रस्ता गुरु दसदा है। दुख सुख है तो साढ़े अपने कर्मां दे है, सानू सिदक और सबूरी ना भोग लेने चाहिए है, लेकिन शब्द नाम की कमाई करनी चाहिए है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी 100 कम छड के सत्संग विच जाओ, 1000 कम छड के भजन व्यास विच बैठो। वह कहंदे तन नूं उन्ना चिर खुराक ना दिओ जिन्ना चिर तुसीं आत्मा नूं खुराक ना दे लो। जिस तरह तन की खुराक सानू पता ही है, अन्न है रोटी है, और आत्मा की खुराक भजन व्यास है। आत्मा भी जन्मा जन्मात्रा की भुखी है, कल्प रही है, लेकिन यदि भुख कहीं कदे तवज्जो नहीं दी गई। इस वास्ते आप कहंदे आ पूरे गुरमुखां दे कोले जाके जो रस्ता दसदे है सिदक और भरोसे दे नाल उस ते चलो जी। मुरशद कामल से मिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शारग के पाने के लिए, गोशे बातन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर पहचाने के लिए। हुण आप कहन लगे रस्ता ले लिया नाम ले लिया फिर की कर, अभ्यास कर, वक्त नूं हाथ चो खराब ना कर। मेरे परम पिता कृपाल ने जब मैनू रस्ता दिता मेरी आँखां ते हथ तर के अंदर दी तरफ खोली, वो कहिंदे देख बई तू मेरे पास ना आई मैं जाऊं तेरे कोले, ये मेरी ड्यूटी है, तेरा काम है भजन अभ्यास करना। उन्हां दी दया नाल उन्हां दे हुक्म मुताबक ही जमीन दे अंदर मकान बनाया। हुण गुरु जिहड़ा हुंदा है ये बचन दा सूरमा हुंदा है, ये कदे भी अपने बचन तो पिछे नहीं हटदा गा, वो खुद जांदा रहा। हुण असीं कहिंदे आ जी उन्होंने साथों का पूछया ही नहीं, दसो गुरु किसी तो परमिट लवे भी मैं फलाने का उधार करना है,
असी जीव तो इस किस्म के हैं जिस तरह किसी जट ने कमाई की उस दे उत्ते परमात्मा खुश हो गया, उसनू एक संख दे दिता भी किसी चीज़ की इच्छा होवे तो इनू बजा लिया करी तेनू मिल जाएगा। पर जरा ध्यान रखी तेरे गुआंढी दे तू दुगना जाया करेगा। हुण जट इस औकड़ दे विच फसिया भी गुआंढी दे दुगना जाएगा, बस ए तू तो भुखा मरना ही चंगा है, भगती मैं कीती गुआंढी मौज करे। परमात्मा ने सोचा कि देखा तो सी ये अंदर किन्ना हौसला है, किन्नी की हीरखा है। उन्हें हर किस्म का उसते कष्ट भुख दिखा दिती। अखीर वह भुखा मरदा घरों निकल गया। घरवाली अच्छी सी बीवी, क्योंकि आपो अपना सुभा हुंदा है, उन्हें सोचा जे गुआंढी खाणगे तो अच्छी गल है, लोग कहणगे भी इन्हां दा जिहड़ा गुआंढ है अच्छा है, रज्या पुज्या है। उसने परमात्मा अगे बेनती की थी कि मैं भी उसकी अरदंगी हैं, तू दया कर मेहर कर करे दे सब कुछ। हुण परमात्मा ने आवाज सुनी उन्होंने घरे अन्न पदार्थ काफ़ी हो गया। लोग कहन लगे देख बई उहदी किस्मत दे विच नहीं सी, उदों भुखे मरदे सी, चलिया गया तो वेख परमात्मा ने किवें अन्न धन दिता है। बाहर किसी ने उन्हें सूचना दी भी तेरे तो घर के बड़िया मौजा करते हैं। उन्हें कहा भी ओहो ये तो घरवाली ने गलती कर ली, भज्जिया आया आके कहन लगे हे परमात्मा मैं भगती की है, इन्हें नहीं की, मेरे बार दे विच खूह लग जाए। हुण गुआंढी दे दुगना आना सी, उन्हां दे दो लग गए, फिर कहन लगे मेरी एक अख फुट जाए, वो गुआंढियां दियां दोए दोए फुट गईयां। ये हालत साडी है हीरखा दे मारियां दी। हुण असीं कहने गुरु साथों परमिट ले, अगर साथों परमिट वो कटावे कि असीं तां किसी नूं रोटी खांदे नूं चंगा नहीं समझदे गे। इस वास्ते जिहड़ा गुरु कहिंदा है वो करके देखो। जद परम पिता कृपाल ने हजारों आदमियों के अंदर बैठ के कहा कि भई तैनू अमरीकन लोग हवाई जहाजा ते सैर कराउणगे, तेरे विचों महक आएगी, वो समुंदर टप जाएगी, उदों तां कोई अतवार ही नहीं करदा सी। सारे ये कहिंदे सीगे जी ये संत नूं खुश कर रहा, कदे बंदियां चों भी महक आई है। मैं अमरीका च गया उत्थे पुछया क्यों भी मैनू कोई इसने वेख्या सी, मैं दिल्ली च आया मैं पुछया क्यों भी मैनू कोई जानदा, अगे नहीं। मैं कनेडा च गया मैं उत्थे भी लोगों को क्यों बई किसी ने अजायब देखा है तो बाह खड़ी करे, सब चुप, क्योंकि मैं तो सारी जिंदगी जमीन के अंदर बैठ के अभ्यास करता रहा जो मेरे गुरु ने मैं दस्या सीगा। ये उस परम पिता कृपाल का वाक सी कि तेरे चो महक आएगी। इसे वास्ते मैं कहना हुन्ना है कि जीवे कृपाल सोहना सतगुर जिन्हें बूटी लाई हो, जिसने वो बूटी लाई है वह ज्यौदा रवे। अंदर बूटी मुश्क मचाया जद फुलण ते आई, जद बूटी जिहड़ी गुरु लाउंदा है जद फुलां ते आउंदी है वह महक उठती है। इस वास्ते आप कहन लगे फिर कुछ दिन बैठ के अभ्यास करो, उस वक्त नूं खराब ना करो, तुहानूं पता लगेगा कि गुरु कुछ देण वास्ते आया है। महाराज ने कहा सीगा भई देने वाले का की रौला है, मैं कदे लको नहीं रखिया, मैं कहना ना मैनू मेरे गुरु ने देण वास्ते लाया, भई जितने भी आउंदे आ मैं सबनों कहना भाई चोलियां भर के लै जाओ, मैनू सूम नहीं बनाया। सवाल लैण वाले का किहड़ा दिल लईए भाई, जो कुछ तुलसी साहब कहिंदा है इस तरह करना पड़ेगा। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है गोशे बातन करो कुछ दिन अमल, कहन लगे कुछ दिन करो तुहाडा रस्ता अपने आप ही खुल जाएगा, तुहाडा मुरशद उस अल्लाह परमात्मा दे के तुहानू खड़ा कर देवेगा जी। गोशे बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए, ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। उन
कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। तुलसी साहब कहते हैं मैं खुद इस पर अमल किया है, मेरे अंदरों आवाज़ प्रगट है, थोड़े भी धर्म ग्रंथ के अंदर ऐसे तकी लिखा है कि वह कौन उन्होंने कौन करके उसनों बयान किया है। गुरु नानक उस ताकत में शब्द नाम करके बयान करते हैं, लफ्जा का ही फर्क है। वो कहन लगे मेरा खुद का अमल है, मैं खुद कमाई की अभ्यास किया अंदर गया है, मेरे अंदर वो परमात्मा प्रगट है, मैं तेन सुनिया सुनाइया गल्ला नहीं दसदा गा, जो कुछ मैं कहना है इसनों तू भी अमल दे विच लिया कामयाब हो जाएगा। ये हज है सेख तकी नूं कहन लगे कि पैरां दे तलियां तो शुरू होकर सिर दी चोटी ते जाके मुकम्मल हो जाता है। इस दीआं दो मंजिलां है, एक अखां तक है, एक अखां तो उपर है। तो इस वास्ते बाहरों ख्याल नूं कढ के ऐ सेख तकी तू अंदर आ, वो परमात्मा कल्ले सऊदी अरब दे विच नहीं बैठा, उत्थे मसीते नहीं बैठा गा, वो तो सारयां दे अंदर बैठा है। जदों परमात्मा अंदर है तो अंदरों ही मिल सकता है। इस वास्ते उन्होंने तुलसी साहब ने बड़े प्यार नाल समझाया सानू भी चाहिए है। तुलसी साहब के कहण के मुताबिक अंदर जाइए, अपने जीवन नूं सफल बनाइए। ये सदा तुलसी की है आमल अमल कर ध्यान दे, उन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के